नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आपका जीनियस कंप्यूटर क्लासेस में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज इफ़ फार्मूला के बारे में। बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंपनियों में इसका। इसमें तीन फार्मूले होते हैं हमारे पास। पहला होता है आपका एवरेज, दूसरा होता है आपका एवरेज इफ़, और तीसरा होता है आपका फार्मूला एवरेज इप्स। सो इन तीनों फार्मूले को आज हम स्टडी करने वाले हैं। किस प्रकार से स्टडी करेंगे हम एवरेज का, एंड यहाँ पर जो सेकंड फार्मूला है एवरेज इफ़, और थर्ड फार्मूला है आपका यहाँ पर एवरेज इप्स का। सो बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एवरेज का। बेसिकली एवरेज का मतलब होता है आपका औसत मान। जब भी आपको औसत निकालना होता है, औसत वैल्यू निकालनी होती है, तो वैसे कंडीशंस में आप एवरेज का यूज करते हैं। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, सीरियल नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ पर नेम्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट नेम है, एंड यहाँ पर डेज दिया हुआ है, और इधर यूनिट, एंड यहाँ पर रुपीज़ का कॉलम दिया हुआ है। ओके, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर डेटा को बनाया हुआ है। सो चलिए देखते हैं एवरेज किस प्रकार से निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम एवरेज निकाल के दिखाते हैं आपको। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू एवरेज, ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज, देन ब्रैकेट ओपन। फिर ये पूछ रहा होता है नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, किसका एवरेज निकालना है। तो मान लीजिए मुझे सभी का निकालना है, राहुल, कोमल, शीतल, मोनिका, एंड एक्स वाई जेड, जो भी है मुझे सभी लोगों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत मान निकालना है। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री सभी का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जब पर्टिकुलर बार बार मांग रहा होता है तो एक साथ पूरा रेंज दे देते हैं हम। सो हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए मुझे इन सभी लोगों का डे का एवरेज निकालना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डे को पूरा सेलेक्ट कर देना है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। ओके, देन करना है ब्रैकेट क्लोज, और फिर करेंगे हम एंटर। सो गाइज़, आप यहाँ पे देखेंगे एवरेज निकल करके आ चुका है 3.625। बेसिकली औसत एक आपका ऐसी वैल्यू होती है जो कि ना ही ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, एक बीच की वैल्यू को हम हमेशा औसत कहते हैं, एवरेज करते हैं, यानी जो ठीक ठाक वैल्यू होती है, जो ना ही ज़्यादा हो और ना ही कम हो। ओके, तो ऐसे जब निकालना हो औसत, तो वैसे कंडीशंस में आप एवरेज यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे रुपीज़ में निकालना है सभी का एवरेज, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं। इक्वल टू ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज, देन ब्रैकेट ओपन। हमने क्या करना है, नंबर वन, नंबर टू सभी का मांग रहा है, तो आप एक ही बार में पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको सेलेक्ट कर देना है, एंड ब्रैकेट को करना है क्लोज, और फिर करेंगे हम यहाँ से एंटर। सो आप नोटिस करेंगे इन सभी का जो एवरेज है वो निकल करके आ गया है यहाँ पर 94,918.1। ये इसका एक औसत मान है, एक औसत वैल्यू है। ओके, अब हम निकालते हैं यहाँ पर एवरेज इफ़ का। आई होप कि आपको एवरेज समझ में आ गया होगा। अब एवरेज इफ़ ट्राई करते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए वी ई आर ए जी ई आई एफ। हम यहाँ पर एवरेज इफ़ को पढ़ने वाले हैं, एवरेज इफ़ किस प्रकार से निकालेंगे। सो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर, अभी तो देखो हमने सभी का निकाला, राहुल, कोमल, शीतल, मोनिका, एंड जितने भी नाम्स हैं, हमने सभी का अगर एक बार में निकालना होता है तब तो हम एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर कहा जाए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का निकालना, मान लीजिए मुझे सिर्फ राहुल का एवरेज निकालना है, किसका निकालना है, ओनली राहुल का, राहुल यहाँ भी है, मान लीजिए राहुल यहाँ भी कर देते हैं हम, राहुल और एक राहुल और हमने कर दिया, मान लीजिए लास्ट में राहुल, हमने यहाँ पे 3 times राहुल कर दिया है। अब हमने कहा आपसे कि सिर्फ राहुल का एवरेज निकाल के दीजिए, तो राहुल तो 3 times है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वैसे कंडीशंस में सिर्फ अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का एवरेज निकालना होता है तब हम एवरेज इफ़ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सो चलो निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम इज इक्वल टू एवरेज इफ़ ए वी ई आर ए जी ई आई एफ, एवरेज इफ़, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखो फार्मूला लगा हुआ आ रहा है, सबसे पहले मांग रहा होता है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि आपको किसका एवरेज निकालना है, हालांकि रेंज का मतलब है पूरा टेबल ही आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। सो हम यहाँ पर राहुल से लेकर के पूरा लास्ट रुपीज़ तक सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सीरियल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है, नाम से सेलेक्ट करना है राहुल से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, तो पूरा टेबल में हमने रेंज सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद करते हैं कॉमा। नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूले में क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है किसका निकाल रहे हो आप, जिस व्यक्ति का आप निकाल रहे होते हैं उस पर आपको सेलेक्ट करना होता है, उसको आपको क्लिक करना होता है। सो हमने निकालना है राहुल का, तो क्राइटेरिया का मतलब है किसका, तो हम राहुल का निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे राहुल पे क्लिक किया, एंड अगेन यहाँ पर कॉमा देना है। अब है एवरेज रेंज।
एवरेज रेंज का मतलब होता है कि अब एवरेज जो निकालना है वो किसके प्रति निकालना है, डे के प्रति, यूनिट के प्रति या रुपीज़ के प्रति। सो हम चाहते हैं कि जो राहुल का जो एवरेज है वो यूनिट के प्रति बताइए कि यूनिट के प्रति राहुल का औसत मान कितना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यूज़ को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है और फिर लास्ट में हमने करना है अब ब्रैकेट क्लोज। ओके, सबसे पहले हमने दिया यहाँ पर पूरा रेंज टेबल का, उसके बाद क्राइटेरिया में दिया राहुल, देन उसके बाद एवरेज रेंज में हमने दे दिया यूनिट, पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या होगा कि राहुल का डेटा जहाँ जहाँ भी होगा यहाँ है, राहुल का डेटा यहाँ है, यहाँ है, और इसमें जहाँ जहाँ भी होगा वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद आपको उसका औसत मान निकाल के देगा। सो फिलहाल हमने फार्मूला लगा लिया है, अब हमें करना है एंटर। तो जब जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि 7.3333 करके औसत मान दे रहा है, राहुल का एक औसत मान कितना है 7.33। ओके, तो कुछ इस सो गाइस चलिए देखते हैं अब हम एवरेज इफ़ का फॉर्मूला, एवरेज इफ्स का किस टाइप से हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज इफ्स लिख लेंगे, ए वी ई आर ए जी ई आई एफ एस, हमने एवरेज इप्स लिख लिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि किस प्रकार से एवरेज इप्स लगाते हैं। जब भी हमें किसी पर्सनल का भी पर्सनल डेटा निकालना हो, मान लीजिए मुझे राहुल का तो निकालना ही है बट राहुल का सैमसंग कंपनी के प्रति डेटा निकालना है, तो वैसे कंडीशंस में हम एवरेज इप्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो चलिए ट्राई करते हैं किस प्रकार से यूज़ करेंगे इसका। हम सबसे पहले देंगे इक्वल टू एंड लिखेंगे एवरेज इप्स, ए वी ई आर ए जी ई आई एफ एस, एवरेज इप्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेंज, एवरेज रेंज मांग रहा है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर देखो, एवरेज रेंज मांग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलता है। एवरेज रेंज का मतलब है जो चीज़ें आपका एवरेज निकालना है, यानी जिस चीज़ का एवरेज निकालना है वो चीज़ पहले आप सेलेक्ट करोगे। सो एवरेज रेंज में हम क्या करते हैं, रुपीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, एंड कॉमा। अब बोलता है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट में आपने क्या करना है, यहाँ से पूरा रेंज यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। ओके, देन उसके बाद कॉमा। अब बोलता है क्राइटेरिया फर्स्ट, यानी इस लिस्ट में किसका आपको औसत निकालना है, तो मुझे निकालना है राहुल का, सो हम राहुल पे क्लिक करेंगे, देन फिर कॉमा। अब बोलता है क्राइटेरिया रेंज टू, पूरे रेंज को सेलेक्ट करो, तो हमने फिर से पूरा रेंज सेलेक्ट किया, देन अगेन यहाँ पर कॉमा। अब बोलता है क्राइटेरिया टू, तो मान लीजिए मुझे राहुल का सैमसंग के प्रति बताना है डेटा कितना है, तो हमने यहाँ पे सैमसंग पे क्लिक कर देना है, देन ब्रैकेट को करना है क्लोज। ओके, सो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं राहुल का सैमसंग के प्रति औसत मान कितना है। तो कुछ इस टाइप से हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है, देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सो गाइज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि राहुल का जो औसत मान है वो यहाँ पे निकल कर के आ चुका है 2000 है। तो इस टाइप से हम यूज़ करेंगे एवरेज इप्स फॉर्मूले का। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम एवरेज इफ का यूज़ कैसे करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वायरी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।